सभी का डेली जॉब अपडेट चैनल की ओर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वैकेंसी जो निकली है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर टोटल 291 वैकेंसीज के साथ इन्होंने वैकेंसीज आउट कर चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप एज अ ग्रेजुएट अगर पास आउट हो तो भी आप एलिजिबल यहाँ पर हो सकते हैं। जी दोस्तों ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों सिर्फ आपको एक ही जगह पर यहाँ पर फोकस करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी तो ज़्यादा नहीं है, पर भी आप यहाँ पर आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। क्योंकि दोस्तों सबका ख्वाहिश होती है कि बैंक में जॉब करें। तो दोस्तों सबसे बड़ी संस्था जो कि RBI की तरफ से ये वैकेंसीज़ है। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड है यहाँ पे जॉब करना चाहते हो तो दोस्तों हम पूरा डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखकर वहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। साथ में दोस्तों हम यहाँ पर आपको टिप्स भी देंगे जो कि जॉब रिलेटेड रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार आपको यहाँ पर स्टडी करोगे अगर आप यहाँ पक्का हो जाता है आपका, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार जो वैकेंसी उन्होंने निकाली, क्योंकि सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी वैकेंसीज निकले जो कि ऑफिशियली उन्होंने रिक्रूटमेंट निकाले, वो भी ऑफिसर पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और यहाँ पे अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देखकर आप वहाँ पर अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से यहाँ पे वैकेंसी निकली है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसीज है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर द पोजीशन ऑफ ऑफिसर, ऑफिसर पद के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। तो दोस्तों गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ के आपको जॉब करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसीज है सबसे बड़ी बैंक यानी सबसे टॉप की बैंक है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, क्योंकि इसका काम यहाँ से ही होता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बैंक है जो कि RBI, जो भारत की सबसे बड़ी बैंक जाना जाता है जो कि RBI है। तो दोस्तों इसके बारे में आप अगर आप यहाँ पे जॉब करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कर पाओगे दोस्तों। तो दोस्तों इसके बारे में हम सामने देखने वाले किस प्रकार आपको यहाँ पे आवेदन करना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे वैकेंसीज की बात करते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने टोटल हमने वैकेंसी देखे हैं। तो सबसे पहले जो ऑफिसर ग्रेड बी के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है, टोटल 222 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे दोस्तों अनरिजर्व कैंडिडेट के दोस्तों 109 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। देन उसके बाद एस टी के लिए दोस्तों 25 वैकेंसी है। देन उसके बाद एस टी कैंडिडेट के लिए 17 वैकेंसी और OBC कैंडिडेट के 49 और EWS कैंडिडेट के 22। इस प्रकार टोटल 222 यानी 222 वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल। साथ में यहाँ पे जो PWD कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज रिजर्व है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों जो ऑफिसर इन ग्रेड भी है दोस्तों यहाँ पे आप फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद दोस्तों जो ऑफिसर के लिए दोस्तों यहाँ पे ग्रेड बी DEPR के लिए यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल है। देन उसके बाद ऑफिसर इन ग्रेड बी DR के DISM के लिए दोस्तों टोटल 31 और 38 इस प्रकार यहाँ पे वैकेंसीज है। तो दोस्तों इसके बारे में हम सामने देखने वाले हैं, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन आपका चाहिए हम पूरा डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखकर ध्यान से देखकर आप वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे वैकेंसीज तो कम है, लेकिन आपको सिर्फ एक ही जगह पर फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे अच्छे से आप स्टडी करते हो, अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन पक्का हो जाता है तो दोस्तों आपकी लाइफ बन सकती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे PO से भी ज़्यादा उन्होंने ऑफिसर ये पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाली है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अच्छी वैकेंसीज है, सिर्फ आपको अच्छे से स्टडी करना है। अगर आप अच्छे से स्टडी करते हो तो ईजिली आप यहाँ पर सिलेक्शन पक्का हो सकता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर स्केल की बात, अगर पे स्केल की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो आपका सैलरी रहने वाला है 1,16,914 इतना आपका सैलरी रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितना अच्छी सैलरी आपको, क्योंकि PO से भी ज़्यादा आपको सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों। साथ में यहाँ पे अदर अलाउंसेस भी आपको मिलने वाला है, आप देख सकते हैं रेंट अलाउंस 50%, बेसिक पे विल बी पेड। तो दोस्तों आपका यहाँ पे 1,16,000 सैलरी तो आपका बेसिक ही है, लेकिन इससे ज़्यादा भी आपका यहाँ पे मिलने वाला, क्योंकि अदर जो अलाउंसेस है ये इंक्लूडेड दोस्तों इसमें। तो दोस्तों अच्छी वैकेंसीज है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी तो कम है, लेकिन आपको एक ही अगर फोकस करते हो आप अच्छे से यहाँ पे स्टडी करते हो तो ईजिली यहाँ पे आपका जॉब यहाँ पे पक्का हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों हम जो सामने देखने वाले थे यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हम नेशनलिटी की बात करें तो आप इंडिया से रहने वाले हैं यानी आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी आप रहते हो तो आप एलिजिबल हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एज की बात करें तो मिनिमम आपका एज 21 से 30 साल तक आपका एज कम्प्लीट होना चाहिए। अगर आप 1 मई 2023 तक अगर आप 30 अगर आपकी उम्र 30 है तो आप इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन की बात करें तो मिनिमम जो SC कैंडिडेट है, ST कैंडिडेट के लिए दोस्तों 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है यानी वो 35 ईयर तक यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों जो OBC कैंडिडेट है उनके लिए दोस्तों 3 साल का एज रिलैक्सेशन है यानी 33 ईयर तक अगर वो कैंडिडेट अगर यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, अगर उनका उम्र 33 ईयर तक है तो वो कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो मिनिमम OBC कैंडिडेट 3 साल का उनको एज रिलेशन मिलता है। तो दोस्तों जो ओपन कैटेगरी है तो दोस्तों उनको 21 से 30 तक वो आवेदन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वो यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम एग्जाम की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन तरीके से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। जो 9 जून तक यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 तारीख यानी 9 जून तक आप यहाँ पे आवेदन कर पाओगे। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे ऑफिसर इन ग्रेड बी के लिए यहाँ पे जो
जो आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं फेज वन और फेज टू, ऐसे दो फेज में आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे दो फेज में आपको यहाँ पे एग्जाम देना है। तो जैसे कि हम जो फेज वन में हम बात करें, तो यहाँ पे ओनली फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन एग्जाम रहने वाला है, तो वो आपको 9 जुलाई को, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम 2 मंथ आपके पास है। तो अगर आप 2 मंथ में अगर अच्छे से यहाँ पे स्टडी करते हो, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों पीओ से भी ज़्यादा यहाँ पर सैलरी आपको देने वाले दोस्तों, तो जल्दी से आप यहाँ पे स्टडी को लग जाए, क्योंकि यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे जॉब करने के लिए दोस्तों। जो कि आरबीआई में आप अगर आप जॉब आपका लगता है, तो आप इजिली यहाँ पे आपका जो लाइफ है वो एकदम ही हैप्पी रहने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं फेज वन के लिए ऑनलाइन एग्जाम यहाँ पर वाला दिन। उसके बाद फेज टू में अगर आप यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे टोटल 3 पेपर आपका होने वाला है, ठीक है। तो पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री किस प्रकार रहने वाला हम सामने देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देख पा रहे हो, तो सभी को हम इस वीडियो में पूरा जानकारी आपको देंगे। तो आप इजिली यहाँ पे किस प्रकार आपको एलिजिबल है, किस प्रकार आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, सभी हम इस वीडियो में देखने वाले दोस्तों, ठीक है। दोस्तों जो फेज टू है उसके लिए दोस्तों 30 जुलाई को आपका फेज टू रहने वाला है। देन उसके बाद दोस्तों जो हम जो ऑफिसर इन ग्रेड डीआर के लिए जो डीपीआर है, ये उसके लिए दोस्तों फेज वन फेज टू है। तो फेज वन के लिए दोस्तों पेपर दो रहने वाले, पेपर वन पेपर टू, वो भी ऑनलाइन एग्जाम रहेगा। देन उसके बाद पेपर टू है जो जो फेज टू है, उसमें भी पेपर वन पेपर टू, लेकिन रिटर्न एग्जाम देना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है, और सबसे पेपर वन है वो ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा। तो उसके लिए दोस्तों आप देख सकते हैं 16 जुलाई को आपका पेपर रहने वाला फेज वन का। देन सेप्टेम्बर टू को आपका फेज टू आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। देन दोस्तों डीएसआईएम ये पोजिशन के लिए दोस्तों यहाँ पे फेज वन फेज टू है, यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इसका इसका एग्जाम 16 जुलाई और 19 अगस्त को यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर एलिजिबल, तो यहाँ पे अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, तो उसके पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो ऑफिसर इन ग्रेड बी के लिए यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन जो ऑफिसर इन, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम आपका ग्रेजुएशन कम्प्लीट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया है एनी फील्ड में, जैसे कि आर्ट, कॉमर्स या साइंस, ऐसी कोई भी फील्ड में अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। सिर्फ आपको 60% मिलना चाहिए ग्रेजुएशन में, तो ही आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जैसे कि 1 मई तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ये दिए गए तारीख तक अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो ही आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ओपन कैटेगरी कैंडिडेट यानी ऑल कैंडिडेट के लिए, यानी ओपन ओबीसी कैंडिडेट के लिए आप 60% ग्रेजुएशन में आपने परसेंटेज कंप्लीट किया हुआ है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। और दोस्तों जो एससी कैंडिडेट है, उन्हें 50% यहाँ पे चाहिए यहाँ पे आवेदन करने के लिए। और दोस्तों अगर आपने, ठीक है, अगर ग्रेजुएशन में आपका परसेंटेज 60% नहीं है, लेकिन अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है और वहाँ पे आपको 55 मार्क्स अगर मिलते हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों अगर ग्रेजुएशन या तो फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होना चाहिए। तो दोस्तों अगर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप कंप्लीट करते हो, तो आप यहाँ पे इजिली यहाँ पे आवेदन कर पाओगे दोस्तों। देन उसके बाद जो हम डी पी आर के लिए अगर इसकी बात करें, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स में आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में अगर आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया हुआ है, तो आप इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या तो फिर आपने एमएससी इन इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ऐसे जो रिलेटेड इकोनॉमिक्स के रिलेटेड जो सब्जेक्ट में आपने आपका मास्टर डिग्री अगर कंप्लीट किया हुआ है, तो आप इजीली यहाँ पे जो डी पी आर है ये पद के लिए आप यहाँ पे आवेदन कर पाओगे दोस्तों। तो यहाँ पे उन्होंने परसेंटेज का कोई मैटर नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो डीएसआईएम ये पद के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है, तो यहाँ पर भी दोस्तों इन्होंने मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक एंड मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक स्टैटिक्स, ऐसे इस सब्जेक्ट में अगर आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया हुआ है, साथ में 55 मार्क्स आपको परसेंटेज है, तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे साथ में यहाँ पे मैथमेटिक्स में भी यहाँ पे उन्होंने मांगा हुआ है। अगर आपने डेटा साइंस आर्टिफिशियल एआई में अगर आपने डिग्री कंप्लीट की हुई है, यहाँ पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। या तो फिर आपने 4 इयर्स का बैचलर डिग्री कंप्लीट किया हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों अगर आपने 4 साल में अगर कोई डिग्री आपकी है और वहाँ पर अगर आप 60% मार्क्स आपको अगर मिलते हैं, तो आप यहाँ पर ईजिली अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने पूरा डिटेल्स में यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे, तो दोस्तों आप यहाँ पे आवेदन कर पाओगे दोस्तों। तो दोस्तों सिर्फ जो ऑफिसर ग्रेड बी के लिए है, इस यहाँ पर सिर्फ आपका एनी ग्रेजुएट अगर आप पास आउट हो, तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर भी फोकस करना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर भी अगर फोकस करते हो, क्योंकि यहाँ पे जगह पे ज़्यादा है और आप यहाँ पे सिलेक्शन भी पक्का हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप एनी ग्रेजुएट हो, 60% 55% अगर आपके पास है, तो आप इजीली यहाँ पे आवेदन कर पाओगे दोस्तों। तो ये थोड़ा बार है फीस के बारे में, जैसे कि एससी एसटी ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ आपको यहाँ पे प्लस 18% जीएसटी आपको पे करना होगा। देन उसके बाद जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों 850 प्लस 18% आपको यहाँ पे फेस करना होगा। जो स्टाफ है, जो आरबीआई के स्टाफ है, उनके लिए किसी प्रकार का यहाँ पे फीस यहाँ पे नहीं करना है। तो दोस्तों अब हम इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन किए हैं। तो दोस्तों इसके बारे देन उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका एग्जाम पैटर्न किस प्रकार रहने वाला है, किस प्रकार आपको यहाँ पे
सिलेक्शन होगा किसका कर आपका ही होगा हम देखने वाले। तो उसके पहले अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों हम इसके पहले हम देखें जैसे कि आपका 2 फेज़ में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों जो फेज़ 1 में जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जनरल एवरेंस इंग्लिश लैंग्वेज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग ऐसे 4 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है। तो टोटल 120 मिनट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, टोटल 100 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे रहेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको बात करें जैसे कि आप देख सकते हैं फेज़ 2 में तो जो पेपर 1 रहने वाला है, ठीक है। अगर फेज़ 2 का अगर पेपर 1 की बात करें तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू के रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 50% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 30 मिनट आपको मिलेंगे, टोटल 50 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। देन उसके बाद 50% जो डिस्क्रिप्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो यहाँ पे टोटल 90 मिनट आपको मिलेंगे, 50 मार्क्स मिलेगा, फिर टोटल 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आपका रहने वाला है दोस्तों। देन उसके बाद जो पेपर 2 है जो इंग्लिश का रहने वाला है, डिस्क्रिप्टिव पैटर्न है, 90 मिनट्स आपको मिलेंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। देन जो पेपर 3 है जो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट रिलेटेड है, तो उसके लिए भी यहाँ पे 100 क्वेश्चंस, 120 मिनट, 100 मार्क्स, इस प्रकार यहाँ पे 2 टाइप में आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे रहने वाला जो फेज़ 1 फेज़ 2 में है, जो फेज़ 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप जो इकोनॉमिक्स रिलेटेड रहेगा 120 मिनट, 100 मार्क्स इस प्रकार। देन उसके बाद जो पेपर 2 रहेगा डिस्क्रिप्टिव जो इंग्लिश रिलेटेड है, तो उसको 120 मिनट मिलेगा, 100 मार्क्स का रहने वाला है। इस प्रकार जो फेज़ 2 है यहाँ पर भी फेज़ 1 और फेज़ 2 इस प्रकार यहाँ पे इकोनॉमिक्स रिलेटेड ही यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आपका टोटल 400 मार्क्स का यहाँ पे एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर आप 400 मार्क्स प्लस आपका एक यहाँ पे इंटरव्यू होगा, देन उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्शन पक्का हो सकता है। तो दोस्तों अच्छी वैकेंसीज है यहाँ पे, अगर आप बात देखें तो यहाँ पे अच्छी वैकेंसी के साथ अगर आप कहीं अगर बैंकिंग का रिलेटेड अगर आप स्टडी करते हो तो आप यहाँ पे इजिली क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप PO SBI तो यानी कहीं पर भी अगर आप स्टडी बैंकिंग रिलेटेड आपकी स्टडी चालू है तो आप इजीली यहाँ पे क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि वही सब्जेक्ट है, वही है, सेम पैटर्न है, सिर्फ आपको यहाँ पे थोड़ा फार मेहनत करके आपको यहाँ पे आपको आपका पोस्ट लेना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अच्छे से स्टडी करते हो आप इजीली यहाँ पे आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमने फेज़ 1 में देखा है जो 4 सब्जेक्ट रहेंगे वो सभी सेम ही पैटर्न रहने वाले, जो इस प्रकार बाकी एग्जाम रहते हैं बैंक रिलेटेड वही सेम पैटर्न वहाँ पे मिलेगा आपको 100 मार्क्स का, तो ठीक है। जो फेज़ 2 है तो वहाँ पे जो पेपर 1 जैसे कि इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू के रिलेटेड यानी ESI के रिलेटेड जहाँ पर आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिलेटेड आपको पढ़ना है, देन इंडियन इकोनॉमिक्स क्या है, देन ग्लोबलाइजेशन सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया इस प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस प्रकार अगर आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं पूरा डिटेल्स में इन्होंने सिलेबस यहाँ पे शो किया है, तो अगर आप देखोगे तो पूरा डिटेल्स में यहाँ पे दिया है, तो आप यहाँ पे अप्लाई यहाँ पे स्टडी करके आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो फेज़ 2 रहने वाला है यानी हम देखेंगे तो यहाँ पे जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर रहने वाला है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं राइटिंग स्किल इंक्लूडिंग एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक्स जो इंग्लिश में रिलेटेड जो ग्रामर रहता है उसके बारे में, साथ में कुछ ऐसे बहुत से हैं टाइप, तो वहाँ पे इसके बारे में हम यहाँ पे देखे हैं। देन उसके बाद जो पेपर 3 है जनरल जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट रिलेटेड, तो यहाँ पर भी उन्होंने दिया हुआ है फाइनेंस सिस्टम क्या है, देन उसके बाद फाइनेंस मार्केट जनरल टॉपिक्स के बारे में देन इस प्रकार यहाँ पे दिए हुए। तो दोस्तों आप देन उसके बाद जो मैनेजमेंट क्या है, देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऐसे टोटल्स यहाँ पे उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, इसका लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है पूरा डिटेल्स में, इन्होंने सिलेबस यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे पूरा डिटेल्स में इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड है यहाँ पे पढ़ सक कर यहाँ पे आपका पोजीशन यहाँ पे सेव कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार हमने यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन लिया हुआ है। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड है यहाँ पे आवेदन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से चेकआउट करके डायरेक्टली आप वहाँ पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कैसे लगा अभी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए।